चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग सांख्यिकी पिछले क्लास में जो किए थे आज लगभग बंधन पे सब चला है। आज के क्लास से एकदम लगभग लगने लगेगा कि अब हमारा बन जाएगा। इसके बाद हमारा दो क्लास और हो, एक प्रोबेबिलिटी प्रायिकता नाम सुने हो ना सब, और दूसरा मेन चलेगा ग्राफ। ग्राफ में संचयी बारंबारता वक्र आयत चित्र किसको हम लोग कहते हैं, ओजाइब से क्या निकालोगे, सब वो सब जितने चीजें एक साथ हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग ध्यान दीजिए, आप पिछले क्लास में पढ़े कि कोई भी चीज लिखेंगे तो उसको डाटा कहते हैं। जैसे हम इसमें कोई भी चीज लिख सकते हैं कि उम्र बताओ और इसमें कितने लोग अभी तक बुखार से पीड़ित हुआ, उसका एक डाटा बनाए। हॉस्पिटल में जाकर के हम पूछते जाएं कि लाइए जरा पंजी और यहाँ कितने लोग को हैजा हुआ है अभी तक, उसका एक डाटा देखना चाहते हैं, तो वह आ जाएगा कि 0 से 20 साल में कितने आदमी। अब साल भर का देखोगे तो बहुत लोग उपचार कराए, तो उसको एक एक करके देखोगे कि 12 साल उम्र, 18 साल उम्र, 1 साल उम्र, फिर 12 साल उम्र, 14 साल, 18 साल, तो 365 दिन में 500 मरीज का इलाज होगा, तब तो दो तीन पन्ना भर जाएगा। तो छोटे आंकड़े के लिए हम लोग सीधा सीधा सारणी यूज करते, उसको अवर्गीकृत कहते। और अवर्गीकृत का माध्य माध्यिका बहुलक पिछले क्लास सिखाए थे आप। माध्य का मतलब सबको जोड़ो, गिन के भाग। माध्यिका छोटा से बड़ा सजाओ, बीच को हटाओ, और बहुलक बहुत बार नजर आ जाए वो बहुलक होगा। ये तो सबको याद आया ना सब। वर्गीकृत आंकड़े पर जरा ध्यान दीजिए। क्लासिफाइड डाटा जो होते हैं इसके दो टाइप्स होते हैं। अगर इसका मान थोड़ा कम होगा तो चर और बारंबारता के टर्म में निकाल लेते हैं कि हाँ भाई 8 साल की उम्र वाला कितना संख्या है, 9 साल का कितना है, 10 साल का कितना है। डायरेक्ट चर और बारंबारता ये पिछले क्लास में माध्य माध्यिका बहुलक तीनों सीख चुके थे। पिछला क्लास आपको याद है कि इसका माध्य निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स बटे एन करते हैं, याद आया। माध्यिका निकालने के लिए बा से संचयी बारंबारता और एन बाई टू करके संचयी में खोजते, जस्ट बड़ा को सामने बंद करते, मिल जाएगा तो उसको और बगल वाला को जोड़ के दूसरे भाग देते। और बहुलक तो बहुत बड़ा जो बारंबारता है उसके ऊपर वाला पकड़ लेंगे, याद आ गया सबको। अब बोलो ये अवर्गीकृत और वर्गीकृत में यह टाइप क्लियर है सबका। आज सबसे इंपॉर्टेंट टाइप हम लोग सीखेंगे, ये टाइप का नाम है वर्गीकृत। क्लासिफाइड डाटा में ही वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहे, और वर्ग अंतराल की खास चार तरह की खूबसूरती, जो लड़के वो चारों खूबसूरती समझ गया तो उसको बनाने आ जाए। एक एक करके पहले हम लोग देखें सभी की खूबसूरती। वर्ग अंतराल प्रायः दो तरीके से लिखे जाते हैं, एक को कहते हैं अपवर्जी विधि और दूसरे को कहते हैं समावेशिक विधि। अपवर्जी और समावेशिक। अपवर्जी विधि का मतलब होता है कि इसमें ये दोनों अंतिम वाला और शुरू वाला समान होता है। बताओ 0 से 10 तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो इसको अपवर्जी विधि कहते हैं। और अपवर्जी विधि में ये शुरू और अंतिम बराबर है तो क्या ही पहचानने आ जाए। अगर शुरू और अंतिम बराबर रहे तो आप समझना कि एकदम सही चल रहा है, हिसाब डायरेक्ट बनाएंगे। कोई भी फॉर्मूला अपवर्जी विधि के लिए ही वैलिड होता है, यानी अगर हमको ऐसे देगा तो सीधे सीधे हिसाब बनाना शुरू कर दे। दूसरी विधि का नाम है समावेशिक, और समावेशिक विधि में शुरू और अंतिम समान नहीं होते। तुम उसको ठीक से देखो, ये 9 तो ही बोलो, 10 ये 14 तो, 19 तो क्या ये दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर नहीं होंगे तो आप समझ लोगे कि वो समझ गए दाल में काला है। ये दोनों बराबर नहीं रहेगा तो हिसाब नहीं बनेगा। समावेशिक विधि में हम लोग हिसाब नहीं बनाते, इसको पहले अपवर्जी में बदलना पड़ता है, और जो लड़के अपवर्जी बदलने सीख गया उसको आ जाएगा। अपवर्जी कैसे बदलेंगे तो ऐसा लक्षण देखते ही सब में अपने से डैश दे देना। बोलो डैश देने तो आएगा।
अपना मन से इधर वाला जो दाईं ओर है वही का वही लिखना जो दिया हुआ रहता है। बोलो 9, 14, 19, 24 वही का वही लिख। और इधर जो बायां हाथ तरफ है उसको एक कम करके लिखते हैं, तो बोल दीजिए 5 में से 1 गया, 10 में से 1 गया, 15 में से 1 गया, 20 में से 1 गया, 19। अब बताओ ऐसा तो लिखने आएगा, इधर दाया हाथ झोंकाते हो और बायां हाथ एक कम करो, ये तो करने आएगा। और सबको 0.5 के टैबलेट खिलाओ, बस रोग खत्म होगी, बड़ा आराम है जी, इसमें कुछ नहीं करना है, टैबलेट खाली पैकेट में रख ले रहा। जब देखना कि 9 से 10 भागा, कहना कि टैबलेट खिलावे पड़ेगा, आओ कोई बात नहीं है, ये खिला उला के तय हिसाब शुरू कर, नहीं समझा बात। अब बोलो फिर से 10 तो 10, एक रो टैबलेट खिला देगा, बढ़िया रहेगा तो टैबलेट बर्बाद मत कर। अब लक्षण देख लो, 9 तो 10, 14 तो 15, तो कहना कि समझ गए एकरा खिलावे पड़ेगा, काहे तो दोनों बराबर नहीं, इधर वाला झोंकते हो इधर वाला में एक घटाओ, 0.5 के टैबलेट खिलाओ, मामला फ्रेश। बोलो रे डॉक्टरी करने आ गया, दाया हाथ जो कहते हो बाया हाथ में एक घटाओ, 0.5 का टैबलेट खिलाओ। बोलो क्लियर है सबका? अभी हम सब देंगे, अब टैबलेट खिलाने नहीं आएगा तो तुमको खिलाएंगे, समझ लेना, ये बनाने आ गया सबको ना। अब दो लैंग्वेज टाइप का अलग से मिलेगा, केवल इस सब से डर जिसको खत्म, सांख्यिकी उसको खत्म। कई लड़का यही सब देख देख के हड़कते रहता है, इसीलिए हम इसको एकदम छांट छांट के पहले चल रहे। अब बोलो अगर लिखेगा 0 10 से कम, 15 से कम, तो बोलो 0 से कितना चलोगे, 0 से 9, ऐसा नहीं करना, पहले घटाओ 10 में से 15 कितना जोड़ोगे, तो आएगा, अरे 15 में से 10 गया, तो 5 का ही इंटरवल, और इसीलिए तुमको 5 घटाना है, तो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। बोलो नहीं समझ में आया तुमको? ये बोलो कम लिखा हुआ है कि अधिक? जल्दी बोलिए, अधिक में घटोगे कि बढ़ जाएंगे? बढ़ जाएंगे तो 0 से अधिक, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अच्छा 0 से क्यों नहीं चले, ये सॉरी 5 से क्यों नहीं चले, अंतर 10 का है, इसलिए 10 का अंतराल लेके चलो। ई लाइन बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया है? तो उतारने से पहले हम आप पर थोड़ा सा एक आराम दे देते हैं कि ई पूरे गायब कर देते हैं, और सब नया टाइप का देंगे, तो आप अपने से उसको बना पाओगे कि नहीं? बन जाएगा सबसे? तो हम लोग अभी वर्ग अंतराल में लिखने की विधि समझ रहे हैं। पहला विधि का नाम बोलो क्या था? वेरी गुड, अपवर्जी विधि। और अपवर्जी विधि का तरीका 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। क्या इसमें बदलेगा? नहीं। ये लक्षण देखेंगे तो हिसाब सीधे शुरू कर दे। क्लियर है सबका? बोलो दूसरी विधि का नाम समावेशिक विधि। और बताओ समावेशिक विधि में अपने से ठीक ठाक करने आएगा? 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, ये अपने से ठीक कर सकते हो ना? टैबलेट खिलाने आ गया है, बड़ा अच्छा है। तीसरा वर्ग अंतराल ई लैंग्वेज टाइप में दे देगा, बताओ 15 से कम, 30 से कम, 45 से कम, 60 से कम, 75 से कम, ये छमा छम वाला बनाने आ जाएगा? जल्दी तीनों बना लो जल्दी से फटाफट, पहले वर्ग अंतराल ठीक करने आ जाए तो आराम से अभी हिसाब आज शुरू करेंगे। पीछे जो है इधर उधर लटका हुआ, आगे आके बैठो, आगे आके बैठो, तुम लोग नीचे होके बैठ जाओ, सब नीचे होके बैठो, सब बेंच क्लियर हो जाएगा, नीचे होके बैठो बढ़िया से।
चलिए, इसमें लगता है बैठने में बहुत दिक्कत होती है। हाँ, ऊपर वाला हॉल ठीक है। तुम लोग में चौड़ा चौड़ा हो गया, बेंच ठीक है। चलो जल्दी बनाओ, बात बनाने में तो इन लोग को इतना मन लगता है। हम ऐसा देंगे तब क्या करना है, ऐसा देंगे तब क्या करना है, वैसा में क्या करना है, बस यही सीखना है। ये सीख गया तो अपने से बनाने आ जाएगा। कई लोग बहुत अच्छा बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, और कई लोग इंतजार में हैं कि बन जाए तो उतार लेंगे आराम से। तुम भी वही छापने वाला में है, बन गया ना, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी एकदम शुरू हो जाओ। चलिए जल्दी बताइए, ये वाला बदलना होगा कि छोड़ दें? बदलना होगा। बदलने सबको आता है ना, इधर दाया हाथ ज्यों का त्यों, 19, 29, 39, 49, 59। अपने बनाओ, हम बनाएंगे, उतारोगे तो कभी नहीं सीखोगे। मैथ में अगर छाप लिया तो समझो कि तुम्हारा मैथ खराब, कभी अच्छा नहीं करोगे। जिद्दी बनना है कि ना, कैसे बनेगा, हम अपने बनाएंगे तो सीख गया। बोलो जल्दी, इधर क्या करना है? एक काम, 9, 19, 29, 39, 49, सब में दशमलव 5 वाला टैबलेट याद आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम समझते हैं समावेशिक विधि को सभी लड़के अपवर्जी विधि में बनाना सीख गया कि नहीं सीख गया? सीख गया ना सर? बोलो, यहाँ 15 से कम, 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 75। लिखे थे? चलिए, माध्यमाधिका बहुलक कैसे बनाएंगे, अब उसकी बारी है। हेडिंग दे दीजिए बहुलक, पहले बहुलक सीखेंगे। बहुलक मोज, तब माधिका और फिर माध्य, और सभी से एक एक प्रश्न पहले बनाएंगे, फिर हम अपना प्राइज क्वेश्चन निकालेंगे। प्राइज क्वेश्चन बना दिया तो मतलब है एकदम सीख गया। एक क्वेश्चन बनाने से सबका जांच हो जाता है, कितना अच्छा तुम्हारा इसमें समझ में आया। पहले ध्यान से सीखना है, भारी लगेगा तो बोल देना, बदलेंगे, और फिर ध्यान से सीखो। बहुलक इंग्लिश में क्या कहते? मोड। ध्यान दिया जाए, मोड कैसे निकालते हैं? तो वर्गीकृत आंकड़े का मोड ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है, बिना फार्मूला मोड नहीं बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मोड को हम लोग किससे लिखते? एम ओ से। एम ओ लिखेंगे तो समझना कि मोड है, जब एम ओ लिखेंगे तो मोड बहुलक है। एम ओ बराबर एल प्लस, तो अपने से साथ साथ चलिए नीचे लिख दो, एम ओ बराबर एल प्लस, एमओ बराबर एल प्लस। और बोर्ड पर ध्यान देना, प्लस के ठीक सामने लंबा ऐसे लकीर देना है। कई लड़के एल प्लस और एल प्लस को ऊपर टांग देता है तो गलत हो जाएगा, इसीलिए प्लस के ठीक सामने लंबा लकीर देना है। और ऊपर में एफ ओ माइनस एफ माइनस वन, नीचे में वही चीज लिख दो, एफ ओ माइनस एफ माइनस वन प्लस एफ ओ माइनस एफ वन गुने आई।
एल प्लस एफ ओ माइनस एफ माइनस वन बटे फिर वही है एफ ओ माइनस एफ माइनस वन प्लस एफ ओ माइनस एफ वन गुने आई। कई किताबों में एफ ओ और एफ ओ मिला के कितना होता है टू एफ ओ, तो आगे टू एफ ओ लिखेंगे तो इसका यूज नहीं करेंगे। नहीं समझा बात? एफ ओ एफ ओ जोड़ दोगे तो क्या होगा टू एफ ओ, तो टू एफ ओ माइनस एफ माइनस वन माइनस एफ वन गुने आई भी लिख सकते। बोलो स्पष्ट है सबका ना? अब अपने से कौन क्या है उसको लिख दीजिए, तो नीचे लिख दीजिए अपने से एल बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एल बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। नीचे एफ माइनस वन, एफ माइनस वन, एफ माइनस वन लिखिए बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता नीचे लिखिए एफ जीरो बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता अगला एफ वन बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता और नीचे आई वर्ग अंतराल की लंबाई। आई वर्ग अंतराल की लंबाई वर्ग अंतराल की लंबाई सभी लोग बोर्ड पर ध्यान दें। देखिए एक क्वेश्चन हमारे साथ जो लोग समझेंगे उनको बहुलक बनाने आ जाएगा। सब लोग रे पूरा ध्यान दो एकदम बोर्ड पर, जिसका ध्यान कम है फिर बुलाएंगे और फिर भगा देंगे। पढ़ना ही नहीं है तो क्या जरूरत है क्लास में बैठने की। ध्यान दो बहुलक कैसे बनाएंगे इसको हम लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। पहला बहुलक का फॉर्मूला एमओ बराबर एल प्लस एफ ओ माइनस एफ माइनस वन, वही चीज एफ ओ माइनस एफ माइनस वन जोड़ एफ ओ माइनस एफ वन गुने आई। ये आपको एकदम रटना हो, तीन बार मन में बैठाओ और अपने से पीछे लिख के चेक करना है। एमओ बराबर एल प्लस एफ ओ माइनस एफ माइनस वन बटे एफ ओ माइनस एफ माइनस वन जोड़ एफ ओ माइनस एफ वन गुने आई। दिमाग में कुछ बैठ रहा? किसी को हम लिखवाएंगे सब मिटा उठा के, दिमाग में बैठा है? एमओ बराबर एल प्लस एफ ओ माइनस एफ माइनस वन बटे एफ ओ माइनस एफ माइनस वन जोड़ एफ ओ माइनस एफ वन गुने आई। ये तो लाइन समझ में आया? बोर्ड पर थोड़ा बढ़िया से सुनेगा, ध्यान देना बढ़िया से। अब इसमें हम लोग को बहुलक निकालना है, कौन क्या है ये पढ़ोगे तो याद वाद नहीं होगा, उतना लिखा दिए पन्ना भरने वाला चीज।
अब एक बना रहे हैं उससे समझो सीख जाएगा। तुमको हम एक क्वेश्चन दिए इसका बहुलक ज्ञात करें, आपको दिया रहेगा इसका बहुलक क्या होगा, तो आपको इस सब ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, सीधा सीधा सोचना हो। बोलो इसमें सबसे बड़ा कौन? आठ। हम एक क्वेश्चन स्लो बनाएंगे फिर फास्ट कर देंगे। जो सबसे बड़ा है नाम ही है बहुलक, बहुत बड़ा लौकने वाला, इसको सामने बंद करेंगे। मेन हीरो यही है, कौन? आठ। बहुलक में बहुत बड़ा मेन हीरो होता है, तो मेन हीरो को सामने बंद करोगे इसी के छोटका को एल कहते हैं। अब बताओ रे, हीरो के बंद करो छोटका के एल कहेंगे तो एल का मान क्या होगा? 20। क्लियर है? आई मने बिलाई और लंबाई है, आई मने लंबाई, बिलाई बोला, आई मने लंबाई, लंबाई मने घटा लो 30 में से 20 गया 10, तो आई बराबर 10। पहले ये बताओ दोनों याद हुआ कि नहीं? जो सबसे मेन हीरो है सामने बंद, इसी के छोटा वाला को एल कहेंगे, तो एल बराबर 20 हो। और आई मने लंबाई, लंबाई मने 30 में से 20 गया तो 10 हो। समझ में आ रहा? अब अपने बताओ इसमें हीरो कौन है? पटक के जीरो बना दो, हीरो के पटक के जीरो, और गिनती आता है जीरो के बाद वन, अच्छा जीरो के पहले माइनस से। नहीं समझा जी? हीरो को पटक के जीरो बनाए तो जीरो, और जीरो के बाद एक, और जीरो से पहले सब में एफ लगा के और बराबर 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 करके टांग के घींच देना। बोलो एफ माइनस वन के जगह चार, बोलो एफ जीरो, एफ वन दो। इतना करने आएगा कि नहीं आएगा? तो तुम लोग आधा से ज्यादा जग पार लगा दो। फिर से एक बार सुनना है, एकदम ध्यान दो पहले ठीक से। जो लड़के ध्यान देते जाएंगे उसको समझ में आते चला जाएगा। सबसे पहला काम है सबसे बड़ा जो है वो मेन हीरो है, उसको सामने बंद कर। जब बंद किए उसका छोटका एल है, एल बराबर 20। आई मने लंबाई घटा लो 30 में से 20 गया, हीरो के पकड़ के जीरो, जीरो के बाद वन, जीरो के पहले सब में एफ लगा के टांग के घींच दो। लगता है समझ गए हो? समझ गए है ना? अब जल्दी से ये बता लो हमको, अगर ये समझ गया तब इसमें हम लोग इसको बैठाएंगे। अब इसको लिख के फार्मूला को याद करो और बैठाओ। एल का मान बोलो, प्लस एफ जीरो बोलिए आठ, एफ माइनस वन चार, ए आठ माइनस चार, आठ माइनस दो अगुने 10। ऐसा करने आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए अपने से, 20 प्लस आठ में से चार गया तो चार, चार प्लस छ गुना 10, 20 प्लस चार बटे 10 गुना 10, काट दोगे 24, आंसर हो। ये बताए बहुत भारी लगा? हाँ, परीक्षा हॉल में ही पता चल जाएगा मुस्कुराए कि नहीं। सुनना है, यस को मत बोलो बेटा, सुनो ध्यान से। परीक्षा में ही पता चल जाएगा कि वहां मुस्कुराए कि गया भैंस पानी में। आंसर जो लाए हो हमेशा घेरा के बीच रहेगा, अगर इसको घेरे हैं उसके बीच में आया है तो मुस्कुराना ये आ गया, अगर आ जाए 34 तो कहना भैंस पानी में, 34 नहीं होगा। अब बताओ कई बार जतरा ठीक रहेगा तो फार्मूला भी नहीं लगाना रहता है, परीक्षा में दे देता है इतना भारी भरकम, आ कहता है इसका बहुलक होगा 24 18, 24 20 9, 24 24, 24 20 44, बहुलक होगा। अभी तो ये देख के ना तुम लोग बोल रहा है, परीक्षा में क्या करना है जो सुनो, सबसे बड़ा कौन? आठ, आठ के सामने 20 से 30, कहना इसी के बीच में आंसर होगा, सर सिखाए थे, आ जाओ जी 18 आए बाहर है, 9 बाहर है, 24 है, 44 बाहर है,
मारो 24, अगला क्वेश्चन। नहीं समझा जी, ऑब्जेक्टिव में कई बार आएगा तो ये फॉर्मूले के काम नहीं। हाँ अब सब दे देगा बीच वाला तो ये वाला भिड़ाएंगे। अब ई वाला में थोड़ा सा तेज कर दे, फास्ट बनाना है। बोलो अब फास्ट बनाने में एफओ एफओ को क्या कहेंगे? टू एफओ। तो नीचे इसी को कह दे टू एफओ माइनस एफ माइनस वन माइनस एफ। परीक्षा में देखो कैसे एकदम तेजी में बनाएगा। एल प्लस तो कहना 20 प्लस, एफओ माइनस एफ माइनस वन, आठ में से चार गया तो चार, टू एफओ आठ दुनी 16, 16 में से चार गया 12 में से दो गया 10 गुने 10 24। आंसर अगला क्वेश्चन। नहीं समझा रे, फिर से एक बार सीखो। अबर दे रहा है कलम नहीं उठाना है। तुम लोग जो झूठ मूठ का दिन काटता है ना बैठ के, फेयर करेगा इतना पन्ना बर्बाद करता है। सांख्यिकी में बहुलक निकालेगा तो 88 को पन्ना बर्बाद करेगा और कहेगा बहुत बनाए, कुछ नहीं खाली ऐसे नजर करो और कहो आंसर बराबर 24। कैसे मार दिया जी, कहना हीरो के धर लिए छोटका 20। अब मेन यही है, इसको ऊपर सीधे घटाना है, आठ में से चार गया तो चार, और नीचे दुगना करना है, आठ दुनी एक को ऊपर वो नीचे दोनों को घटाना है, 16 में से चार गया 12, अब 12 में से दो गया 10, और गुने बिलाई 30 में से 20 गया तो 10 24। आंसर अगला दे रहे हैं। देखो तो एकदम सीधे डायरेक्ट में तुम लोग हो कि नहीं, सुन लो पहले, हम कलम भी नहीं उठवाने देते, एकदम ऐसे किए मारे आंसर ऐसे, तब हुआ कि हाँ एकदम टनाटन लक्षण चल रहा है। जल्दी बताओ, अब तुमको दे रहा है क्वेश्चन, सुन लीजिए पहले। प्रश्न है आपको वर्ग अंतराल, और ऐसे करके परीक्षा में देगा बारंबारता फ्रीक्वेंसी, और बोलो इसी में दिया हुआ है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। बोलो इसमें हम तुमको दे दें, बहुलक क्या होगा? बहुलक क्या होगा? बिना कलम उठाए बहुलक क्या होगा? नौ। आंसर 20 से 40 के बहुलक वर्ग है, ये बहुलक वर्ग है। आंसर 20 से 40 के बीच कुछ होगा, आंसर बोलो, आंसर बोलो, कलम नहीं उठाना है, अभी टाइम लगेगा। एक देखो तेजी में, तेजी में सुनो, सबसे बड़ा 9 घेर दिए तो सबसे छोटा एल, 20 प्लस 9 में से 6 गया 3, 9 दुनी 18 में से 6 गया 12, 12 में से 2 गया 10, आई 40 में से 20 गया 20, 3 दुनी 6 20 26। आंसर 26। टन टन आना चाहिए, नहीं सीखा लगता है रे, एकदम तेजी में सुनो। सबसे बड़ा कौन? सामने पकड़े, इसका छोटा कौन है? 20 प्लस, ये तो यहां तक सीखा है। एफओ माइनस एफ माइनस वन, तो 9 में से 6 गया तो 3, और नीचे एकरा दुगना करके पहले मोटा देना है, और जब मोटा जाएगा ना तब पहले इनका और फिर इनका दोनों के टपका देना है। तो बोलो 9 दुना 18 में से 6 गया, अब 12 में से 2 गया, आगुने बिलाई 20, तब बताओ 3 दुना 6 20 26। अच्छा अगला दे तो एकदम मार देगा सर। हाँ सुन ले पहले, अभी हम फिर चेक कर रहे हैं, अभी पहले चेक करने दो, एकदम लगे कि पन्ना में बेकार बना रहे, पन्ना बर्बाद है, तब हुआ कि सीख गया। सुनो पहले ठीक से, एकदम आसान, 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 75, 75 से 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 75 से
सुन लीजिए पहले, बाकी लोग भी सोचे रहो, प्रैक्टिस करिए, खाली बैठे रहोगे तो नहीं होगा, अभ्यास करिए, सीधा आंसर मारिए कि ये होगा। 37 ला रहे हैं, सही है।
37 कितने लोग सोच रहे हो, हाथ उठाओ। 42 कितने लोग सोच रहे हो, बैठ जाओ। एक बार बना रहे हैं, जल्दी देखो, सबसे बड़ा 6 के सामने टप से, छोटा बोलो F-1, 6 में से 2 गया, वेरी गुड, 6 दुना 6 दुना, मोटा गया ना, दोनों के टप का 6 दुना 12, 12 में से 2 गया, 10 में से 5 गया, 5 आगुने 15, 5 ती आई, 4 ती आई, 30 12 42। इस 37 कैसे आया था, वो जोड़ समझ लिया था, 4 3 7 37 37, वहां गुना करना है, 4 3 12। चले खैर, अब तुम लोग ये बताओ अपने से बना सकते हो कि नहीं। अब तुमको ये फार्मूला इतना लिखने वाला लग रहा है ना कि पन्ना लीड बर्बादी हम की। हाँ, सीख जाओगे तो लगेगा एल बर... नहीं सीखता है लड़का तो बड़ा मिजाज से, एल का है सर, अरे का है सर, डर ले कर छोटका है, वही नाम लिखल है बहुलक वर्की निम्न सीम, नहीं समझा साहब। अब उसी में बैठ के सब झकते रहेगा, एफ बराबर बहुलक वर्की बारह मरता, बहुलक वर्की बारह मरता, बहुत याद नहीं होता। तुम लोग सीधा हीरो देखो, पटक के जीरो करो, धाए धाए निकल जाओ। चलो सुनो, अभी एक चेक कर रहे हैं और सही बना पाते हैं कि नहीं, हम पहले चेक हो जाएगा, सुन लीजिए पहले एकदम फटाफट, बोलना किसी को नहीं है, पहले सुन लो, अभी कॉपी में नहीं, अभी देखो सब बना कैसे रहा तुम्हारे मित्र लोग। चलो जल्दी, कौन आके यहाँ एकदम सही आंसर बोल देगा, गलत नहीं होना चाहिए। अब फार्मूला वर्मूला नहीं बनाना है, देखो थोड़ा बहुत हिंट्स, कौन बनाएगा जी, तू बनाएगी, जल्दी आ, इधर आ, जल्दी जल्दी आओ, फटाफट आ, इधर इधर देखो एकदम लगी हुई है, तुम देख ले, अरे वहां छोड़ने दो, यहाँ आओ ना, हम देख लेंगे कहाँ बना रहा है। चलिए देखिए, एक पहलवान आए हैं, बना जल्दी सोच के, फिर प्लस का गुना ना होता हो, गुना चलो बैठ जा, देख लिए हम, बैठ जाइए, भट्टा बैठा है, गलत मना, बैठ जाइए, यस सर बोला, बोलो गलती क्या है, क्या होगा रे, हाँ 39.5 में 29.5 घटाओगे तो आई बराबर 10, चार पता नहीं कैसे आविष्कार कर दिया। सुनिए पहले, एक मिनट सब लोग ध्यान दे दो, सुन लो पहले, बहुत बढ़िया, अब देखो धीरे धीरे तुम्हारा एल्टीना पकड़ रहा, अगला में जहां धर लिया तो तुम लोग किताब का एक भी क्वेश्चन हमसे पूछने नहीं आओ, मेरा बड़ा दूसरा डिजाइन है पढ़ाने का, बात समझ, झूठ मूठ के हम झकाते नहीं रहते हैं, पहला लिखो जी, दूसरा न मेटा भी सर, अभी ना हो लिया सर, क्या करते रहता है झूठ, एकदम एक बार में समझो कि हाँ कैसे बनाते हैं, तरीका क्या है, और उसके बाद फिर किताब लेके घर में बैठो, लगेगा कि वाह एकदम एक एक करके हमारा सब क्लियर होते चला जा। सब लोग यहाँ पर बोर्ड पर जरा ध्यान दे दीजिए, सुनो पहले, सबसे बड़ा सामने बंद, ये तो समझ गया, अब सभी लड़के हमारे साथ एक मिनट समझने का प्रयास, बहुत बढ़िया से ध्यान दे, खूब ध्यान देना, क्या ये 29 से क्या हो गया 30, 39 से, ये तो मलेरिया वाला लक्षण, और टेबलेट खिलाना पड़ेगा, और टैबलेट खिलाने आता है ना, एक घटा लो 29.5 से 39.5, ये ऐसा नहीं करने आएगा, इसका छोटा कौन है 29.5, इससे चलेंगे, नहीं समझा बात जी, अब बताओ 29.5 से चलोगे तो एल का मान बोलो 29.5, बोलो एफ ओ
सात में से तीन गया चार, सात दुना 14 में से चार गया गुने 10 काट दो 29 चार 33.5 इसके बीच में आया आंसर तैयार। अब एक क्वेश्चन और है, अगला में दुख बहुत ज्यादा होगा क्योंकि वो क्वेश्चन जो लड़के बना लेते हैं तो एकदम हम समझते हैं कि एकदम क्लियर हो। अब आपको जो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं सुन लीजिए, ये फास्ट बना रहे हैं, दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत है तो बोलो, फिर बैठ के झक मारेंगे इस, समझ रहे हो ना? हाँ, एक क्वेश्चन खाली कॉपी में डिटेल कर लेना, बाकी एकदम फास्ट हो जाओ। देखो आ कहो कि वो एल धरो, बड़ा में से छोटा है घटाओ, ऊपर वाला नीचे दुगना करके दोनों तरफ घटा लो, निकल जाओ सीधे। अब जरा ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन और आपको देगा, किसी अस्पताल में कैंसर पीड़ित व्यक्तियों की एक सारणी बनाए गए जो उम्र के अनुसार 20 व्यक्तियों का यह सारणी है, उम्र दिया हुआ है और मरीजों की संख्या दिया हुआ है। आपको कहेगा इसकी बहुलक ज्ञात करें, उम्र और मरीजों की संख्या। उम्र क्या है? 10 साल से कम, 10 से कम, 10 वर्ष से कम की उम्र, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम। ये तो छमाछम वाला आपको याद होगा, नहीं याद है लगता है? याद है ना? वाह वेरी गुड। अब बताओ 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम में इसको बैठाना है। मरीज की संख्या जो दिया है, अब मरीज की संख्या है मान लो 3, 5, 10, 16 और 20। अब आपको सुनना है, बस ये लाइन अगर तुम समझ गया तो बहुलक का कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मेन चीज तो स्टेप है ना, कितने स्टेप को उठा रहे। ध्यान दीजिए पहले जल्दी से इसको क्या करोगे, क्योंकि मेन आपको मैथ में स्टेट के चलते पा रहा हूं, नहीं तो मैथ टीचर हम नहीं है। मैथ हम कहां आपको पाए, पढ़ाए थे पहले? नहीं पाए। इसमें पढ़ा रहे कारण स्टेट वाला का मैथ आ गया, तो हमारी हो गई कि उन लोग की भी तैयारी करनी है। अभी हम बिना तुम लोग को पढ़ाएंगे तो उन लोग का लेवल अलग हो जाएगा, तो हम जान के जूनियर क्लास को बैठा भी लेते हैं, तो तुम लोग समझ जाएगा तो उन लोग एकदम ऐसे टनाटन धर ले और उन लोग का सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो इसीलिए तुम लोग को भी पहले एकदम ऑब्जेक्टिविटी कर रहे, फायदा तुमको भी मिलेगा, 50% ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सोचने जब आ जाएगा अभी क्वेश्चन देगा तो बताओ बाकी लड़के ऑब्जेक्टिव में, तो मैं नहीं समझता बोर्ड के लड़के बना पाए। तुम लोग तो खाली ऐसे दर्शन करेगा, एक बार कस के नैरेटिव तानेगा, मार देगा कि आंसर यहां जाए, क्योंकि पहला तो तुमको चेक करना है आंसर घेरा के बीच हो। अरे पहली बात तो यही ना होता है, तो अब जल्दी बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन, कैसे सोच लिया? पिछले क्लास में सिखाए थे कि लगातार बढ़ते रहेगा तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का लक्षण होता है, और ऐसे भी सोचो, नहीं याद आया जी? तुम लोग भुलाता भी है, यस भी बोलता है, बहुत तेज है। याद आया तो यस सर, आप अभी गायब सर, जल्दी बोलो। 10 से कम 0 से, 20 से कम, हाँ इतना लीड बर्बाद भी नहीं करेंगे ऑब्जेक्टिव में, ये तो अभी हमने लिख दिया। अब इस क्यों लिखे जो समझो, 10 से कम तो नीचे वाला आया, 20 से कम में सब आ गया इसीलिए बढ़ जाता है, 30 से कम, अब बताओ हम कहें 30 वर्ष से कम उम्र का मरीज तो सब ना आ गया इसीलिए इसमें शामिल रहता है, इसीलिए इसका लक्षण है से कम में बढ़ते चला जाएगा, ये पक्का है। और अगर से अधिक देगा, से अधिक देगा तो इधर ज्यादा रहेगा, घटते चला जाएगा। बोलो लक्षण समझ में आया? हम कहते 10 से अधिक तो 10 से अधिक में सब आ गए तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा होता, फिर कमता, फिर कमता, तो उसमें नेचर इसका रिवर्स चलते। ऐसा क्वेश्चन जब भी देगा तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी पहले बारंबारता निकालना है। अब बताओ बारंबारता में पहले कौन लिखोगे? 3। पहले कौन लिखोगे? 3। घटा घटा के लिख दो, 5 में से 3 गया 2,
में से पांच नहीं समझे साहब। अब जल्दी जल्दी सोच के हमें सब लोग बताइए, सबसे हीरो कौन? मेन बड़ा छ, छ के सामने बंद करिए 30 से 40। अब तो तुम लोग बना ही देगा, दिक्कत है क्या? बोलो आंसर। 30 प्लस 6 में से 5 गया, 6 दुना 12 में से 5 गया, 7, 7 में से 5 गया, 7 में से 4 गया 3, आ गुना जल्दी बोलो 10। बोलो 30 आई 90 10, 100/3 33.33 आंसर हो। बोलो रे क्लियर है सबका? अब ये बताइए घेरा के बीच 33.3 है कि नहीं है? आंसर हमेशा घेरा के बीच हो। बोलो ये भी लाइन एकदम स्पष्ट है सबका? एक मैक्सिमम भारी हो सकता है, उसको अभी देखेंगे। उसके बाद मुझे नहीं लगता किसी किताब में आपको कोई समस्या होने जा रही। कोई किताब से बनाओगे तो मैं सभी टाइप्स को मेन समझा रहा हूं कि उसके कंसेप्ट को पकड़ो, फिर तो हम अपना क्वेश्चन चलेंगे ही, उससे पता चल जाएगा कितना सीखे हो। तो पहले ही बताओ ये लाइन स्पष्ट हो गया? अगर इधर ज्यादा उधर कम करेगा तो इधर से बगल से घटाते चले जा। बोलो बनाने आ गया सबको? चलिए बहुत बढ़िया। अब लास्ट क्वेश्चन बहुलक का, और बहुलक के सभी टाइप्स आपके कंप्लीट खत्म। सुन ले, अब उम्मीद है कि इसके बाद अब ऑब्जेक्टिव देंगे तो तुम लोग थोड़ा ही देर सबसे कम समय में आराम से बना पाओ। अब मान लीजिए आपको हम क्वेश्चन दे दें, एकदम खूब ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल और बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। बारंबारता बोलेगा तो समझना फ्रीक्वेंसी ही है, और इसमें आपको दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और 50 के बाद अब मेन आ रहा है, उसको जरा सीखना है, देखें आप कितना अच्छा सही बना पाते हो। अच्छा एक लड़का हमसे पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन उसका था कि सर सबसे बड़ा यहां रहेगा तब? बोलो तब। सबसे बड़ा यहां रहेगा तब, किसको घटाओगे इधर? तो यार अच्छा हो गया, सबसे बड़ा यहां देंगे तो इधर कुछ नहीं, एफ वन जीरो हो जाएगा। सबसे बड़ा यहां देंगे तो एफ माइनस वन जीरो हो जाएगा। अब बताओ इधर उधर भी रहेगा तो दिक्कत नहीं ना है? एकदम और काना की तो और आराम हो गया, ये वो गायब होगी। अभी जरा ध्यान दें, ये 4 3 5 2 क्वेश्चन है, लेकिन नहीं ये तो गड़बड़ा गया, गड़बड़ हो गया, हमें क्वेश्चन कुछ ढंग का देना है। तुम लोग हल्का वाला मार देगा, क्वेश्चन है दिए गए आंकड़े का बहुलक 25 है तो एफ का मान क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन देता है। चॉइस ए 1, चॉइस बी 2, चॉइस सी 3, डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सुन लीजिए, कई बार क्वेश्चन इतने अच्छे होते हैं, प्रश्नों की प्रवृत्ति पर ध्यान दीजिए, आपको दे रहा है कि दिए गए आंकड़े का, इस डाटे का बहुलक कितना है? 25, मोड 25 दिया होगा। तो इस 25 मोड के लिए अज्ञात बारंबारता एफ क्या होगा, एक बेहतर प्रश्न है, तरीका आपको सिखाएं। सब लोग पहले हमारे साथ ध्यान दो, बैठ के पूरा बनाने उनाने मत लगने। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैथ में उल्टा नेचर होता है, अपने से इसके वैल्यू को बैठा के चेक करना ज्यादा अच्छा होता है बनाने के तुलना में। मतलब परीक्षा में तुम क्या करना कि आंसर 25 है तो कहना चलो भाई 25 है तो समझ रहे, पहले ही बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन, जल्दी बोलो। हाँ पक्का, पक्का बड़ा। अच्छा बताओ कैसे जाना 6 बड़ा है? एक अज्ञात है तो हो सकता है इसका वैल्यू 7 आ जाए, अरे ये कैसे जाना?
इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, हो सकता है नौ रहेगा तब मान लेगा, भात डाल देंगे कहेंगे मान लो रोटी है खा जाओ। अरे मानेगा, मानने वाला चीज ना जी, देखो एक रहता है मान लेंगे। हमको कोई लड़के बताओ जल्दी से, कोई विद्यार्थी, कैसे तुम कह रहे हो कि छह बड़ा है, मैं कहता हूं एक बड़ा है, हो सकता है ये फाट आ जाए तब। हाँ देखो एक आंसर दे रहा है, बोलिए। वेरी गुड, देखो बिल्कुल सही जवाब उसने दिया। उसने कहा कि बहुलक 25 जब दिया है तो बहुलक वर्ग हमारा 20 से 30 होगा, और बहुलक वर्ग हमेशा बड़े बारंबारता के सामने घेरते हैं, इसीलिए छह बड़ा। बहुत अच्छा जवाब, बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। देखो सुन लीजिए, ऐसे छह टप से मत डरना, क्योंकि हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आहिस्ते चेंज कर दें, बहुलक 14 है तो बड़ा कौन, जल्दी बोलिए बड़ा कौन, फिर एक बड़ा था, छह बड़ा नहीं है। तुम लोग दूसरे नजर से देख रहा था मारा इसे छह बड़ा, नहीं ऐसा नहीं करना, आंसर से कौन बड़ा है इसको पकड़ना। तो हमने देखा आंसर 25, इसीलिए बहुलक वर्ग यहां और बहुलक बड़ा के सामने, ये घेरने आया कि नहीं जो हमको बता दो। आ गया है सबका, बहुत अच्छी बात। अब बताओ अपने से एल प्लस, तो एल कौन है जी, प्लस एफ ओ माइनस, छ माइनस एफ, छ माइनस एफ, छ दूना 12, 12 में से एक गया 11 माइनस एफ आगुने 10, अरे आई 10 है ना। अच्छा अब हमको चेक करना है लाना कितना है, तो कुछ नहीं करना, बैठ के तिरछा गुना उना समीकरण बनाने का टाइम बर्बाद मत कर, चॉइस बैठाना कि आ जाओ एक बाबू तुम बैठो, तो छह में से गया 5, 11 में से गया 10, उड़ गया 20, 5, 25। आंसर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट पढ़े, नहीं समझा जी, फिर से सीखेगा। तुम लोग का कई लोग का लक्षण इतना खराब, तिरछा गुना, ऑब्जेक्टिव में क्यों तिरछा गुना करेंगे, तुमको ऑब्जेक्टिव के लायक एकदम एक लाइन खाली बना लेना है, आप फिर कहना कि आ जाओ हमको सर सिखाए हैं, हम चॉइस ही बैठा के चेक कर देते हैं, तो चारे को ना बैठाना होगा, ओह में तीने को बैठाना है, चौथा ऐसे ही हो जाएगा अगर तीनों नहीं है तब। बोलो हम यहां तक लिखे, इसको फिर से समझाएं कि समझ गए, समझ गए हैं, वेरी गुड। अब बताओ पहला इसमें एक दिया है, तो हम एक बैठा है, यहाँ एक बैठा है, तो बोलो छ में से एक गया, 11 में से एक गया, 10, 10 तो कट जाएगा, तो 20 आप 5 बोलो, बस हमको 25 बहुलक मोड दिया था, आंसर एक हो गया। अच्छा ऐसा ही एक दे दें तो बता देगा क्या, एकदम मिनिमम कैलकुलेशन करके बताना, हम गायब कर दे रहे हैं, हम क्वेश्चन देते समय ही मन में आंसर सोचे रहते हैं, इसीलिए चॉइस मार देते हैं। सोच लो हमको क्वेश्चन देते समय ही कैलकुलेट कर लेना होता है कि आंसर यहाँ आएगा, तो आंसर ये भगा दी। अब तुमको देखना है अभी कितना बढ़िया सही कर पाते हो। अब जरा सुन लीजिए, आपको अभी हम चेक करेंगे, उम्मीद रखते हैं सब लड़के एकदम बिल्कुल सही कर लेगा। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। मिनिमम कैलकुलेशन यहाँ एफ है, यदि दिए गए आंकड़े का बहुलक 66 है तो एफ का मान क्या होगा, एकदम टनाटन चाहिए, टनाटन जल्दी से, थोड़ा बहुत रफ कर सकते हो, तो थोड़ा बहुत रफ फैलाव है, देखें कौन सही बनाते हो। कोई एक बॉयज में आओ, जल्दी इधर आओ, जल्दी आओ, अभी हम चेक करेंगे आपकी नीतियां क्या होती है और कैसे आप चलते हो, हमको समझ में आएगा, हम उसके अनुसार से परिवर्तन करेंगे, कोशिश करो। तो पहले देखो कितना अच्छा कैसे सोच पाता है, हम उसी के अनुसार से इसमें हम चेंज करेंगे। पहले आंसर लिखो, आंसर क्या दिया,
आप उतना लाना है, बहुत अच्छी बात। हाँ फिर कैसे बटा कैसे सिखाए थे, बटा कैसे सिखाए थे, प्लस के ठीक सामने करना है, तुम कैसे दे रहा है, लिखने का एकदम तरीका सीखो, प्लस के समानांतर में चलना है, नहीं तो आंसर अलग हो जाएंगे। फिर दोनों घटाना है ना, ठीक लिखा है। हाँ अब तुम्ही को बुलाएंगे, बहुत अच्छा। चलो अब आंसर चेक करो कौन होगा, फिर अब समीकरण मत हल करो, हमको आंसर बताओ कौन होगा, मन में सोचो सबसे। फिर तुम लोग क्यों बोलते हो, सोचने दो इसको। अब उतना जोड़ घटाओ मत करो, देखो पूरा पूरा कटा, पूरा कटा नहीं कटा, हमको लाना है पूरा, तो छोड़ो अगला को, अगला बैठाओ। साठ कहां से ला रहा है तुम, 10 दूना 20 है तो दूना कटेगा, 20 कैसे लाया। चलिए बैठ जाओ, चलिए बढ़िया बनाया, लेकिन थोड़ा टाइम लिए, और तेजी चाहिए, और तेजी चाहिए। सब ऑब्जेक्टिव में जो अगर प्रश्न आते हैं तो आपको एकदम फटाफट होना चाहिए, तेजी में सुनेंगे। आंसर क्या है, 66, यानी यहाँ पे जाएगा, इसीलिए बड़ा 9 है, इसमें कोई शक नहीं है। बोलो जल्दी जल्दी, एल का मान एफओ 9 माइनस एफ, 9 दूना 18 में से 2 गया, 16 माइनस एफ गुने गुने 20, सही है ना। अब सुन लो जरा तेजी में, पहले 4 बैठाओ, 9 में से 4 गया, 16 में से 4 गया, 12, 12 और 20, ये पूरे पूरे नहीं कटेगा, तो हम लोग इसका वैल्यू नहीं बैठाए। बोलो 6 बैठाओ, 9 में से 6 गया 3, 16 में से 6 गया, इसको कट गया ना, इसका मतलब ये तो ठीक है, 2 बार में 3 दूना 6 66, सही आंसर 6। मैथ में ज्यादातर प्रश्न बड़ा रहे तो चॉइस बैठा के निकलने की बहादुरी है, न कि कैलकुलेट करने। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नेचर अलग होगा, सब्जेक्टिव का नेचर अलग होगा। अब बताओ ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे, क्लियर है सबका ना, चलिए बहुत अच्छा। अब कभी कभी 2 गैप देगा तब F1 F2 ऐसे भी करता है, और F1 और F2 का मान क्या होगा, अब बताओ। इक्वेशन दे दिया तब तो ये बड़ा खतरनाक हो गया, कुछ नहीं खतरनाक हुआ, F1 F2 देगा तो यहाँ n दिया रहेगा, सुन लो जरा बढ़िया से, F1 F2 देगा तो n दिया रहेगा। अब बताओ इसमें मान लो n बराबर 25 दिया और F1 F2 निकालना है, कुछ नहीं करना है, सब जैसे बनाए वैसे बनाएंगे। F1 का मान बोलो कितना आया, 6, तो कहना कि तो 6 निकल गया, तो कहना कि तो समझ नहीं गए, जोड़ के 25 है, 9 दू 11 11 6 17 17 4 21, 25 में से 21 गया, 4, कहना F2 4 है, मारो ठीक। अगला क्वेश्चन, नहीं समझा जी, कई लड़का तो 2 गो गैप का मतलब देखते ही कहता है कि बने के बात है, 2 2 गो गैप, अरे तो क्या हो जाए, नहीं समझे बात। अब बताओ 2 गो गैप वाला भी कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, तो सुन ले अभी जो आप टाइप सीखे, अच्छा तुम लोग थक गया होगा, छोड़ दें आप मत, सुन लीजिए और पढ़ेगा, हाथ उठाएगा हम पढ़ा देंगे, माध्यिका और माध्य अभी चलना है, तो सुन लीजिए, अच्छा ये समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात, सुन लीजिए, किसी को दिक्कत है तो हमसे पूछ लेगा। और सुने मैथ में मेन यही कंसेप्ट है, जितना बनाते जाओगे उतना ही अच्छा होगा, तब प्रश्नावली पर भी चलेंगे हम, आराम से बन जाएगा। तो अभी आज का क्लास हम लोग इतना ही रखेंगे।